बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करने लगे हैं स्पैगेटी, जिसके लिए 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने पैन में डाला था और 1 कप चिकन है जिसको मैंने इस तरीके से, ये देखे, स्ट्रिप्स की शक्ल में काटा है। इसको हम इसमें पका लेते हैं। स्पैगेटी मैंने बॉयल कर लिया, उसको भी मैंने हाफ हाफ पीस करके बॉयल किया है। बहुत ज़्यादा लंबी मैंने उसको नहीं रखी। सब्ज़ियाँ भी मैंने इसी शेप में स्ट्रिप्स की शक्ल में काटी है ताकि तमाम चीज़ों की शेप जो है वो एक जैसी हो और जब तैयार हो तो लुक बिल्कुल सेम आए। चिकन को वाइट होने तक हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये देखिए जिस शेप में मैंने चिकन काटा था उसी शेप में मैंने गाजर की कटिंग भी की है। गाजर सबसे पहले शामिल किया क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है, इसको थोड़ा सा हम पहले फ्राई कर लेते हैं। गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, अब शामिल करते हैं शिमला मिर्च और 1/2 कैबेज। इसमें थोड़े से सॉस शामिल करते हैं, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। वेजीज जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें स्पैगेटी जो हमने बॉयल करके रखी है वो शामिल करते हैं। वो बर्तन मुझे छोटा लग रहा था इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है, स्पैगेटी जो बॉयल की थी इसमें शामिल की है। स्पैगेटी भी देखे मैंने इस तरह से 2-2 पीस करके बॉयल की है। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं मैंने रखी, इनको मैंने काट के छोटी कर दी है। अब ये जो चिकन और वेजीज तैयार किए हैं ये इसमें शामिल करते हैं। अब अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। तकरीबन 1 कप चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, ये इसमें शामिल करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ये शामिल करें और अगर सिंपल खाना चाहते हैं तो आप विदाउट केचप इसको सर्व करें। ये लेकिन माशाल्लाह से ज़बरदस्त वेजी स्पैगेटी हमारी जो है तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।